हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है रजिस्ट्रेशन एंड डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन का पार्ट देखा था, यानी कि हमने देखा है कि अगर कोई फर्म रजिस्ट्रेशन लेना चाहती है तो उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, ये हमने देखा सेक्शन नंबर 58 एंड सेक्शन नंबर 59 के अंदर। एंड अगर कोई फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो क्या उसको कोई यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस दिखेंगे या फिर क्या कुछ डिसएबिलिटीज रहेगी? यस, तो वो डिसएबिलिटीज हमने डिस्कस करी थी सेक्शन नंबर 69 के थ्रू। ऐसे तीन सेक्शंस हमने पार्ट वन में यहाँ पर डिस्कस करे हैं जो रजिस्ट्रेशन से ही रिलेटेड थे। बट अब आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डिसॉल्यूशन से रिलेटेड क्या क्या सेक्शंस हैं। मीन्स क्या कोई एक फॉर्म जो डिसॉल्व होना चाहती है या फिर वो डिसॉल्व हो जाती है, अब हो क्यों जाती है, तो कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से उसको डिसॉल्व होना पड़ता है। कंपलसरी भी होना पड़ता है, वो वॉलंटरी भी कर सकती है, कोर्ट ट्रिब्यूनल भी बीच में आ सकते हैं। तो ये सब तमाम जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि डिसॉल्व होने के क्या क्या तरीके हैं और डिसॉल्व अगर एक बार हो जाते हैं तो फिर उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। सो डिसॉल्यूशन के ये सब सेक्शन देखेंगे सेक्शन नंबर 39 से लेकर 47 तक। तो आइए दोस्तों देखते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म, लेट्स स्टार्ट। अब दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म की सेक्शन नंबर 39 से 47 तक। ये आपको पूरा यहाँ पर हेडिंग दिख रहा होगा जैसा कि हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है। नाउ सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि डिसॉल्यूशन मतलब क्या होता है। डिसॉल्व हो जाना यानी कि ख़त्म हो जाना, बराबर है। बट यहाँ पर डिसॉल्यूशन के बाद में जो इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है? डिसॉल्यूशन किस चीज़ का हो रहा है? डिसॉल्यूशन पार्टनरशिप का हो रहा है या डिसॉल्यूशन एक फर्म का हो रहा है? नाउ व्हाट इज़ अ फर्म? फर्म क्या है अपने आप में? फर्म इज़ नथिंग बट अ कलेक्टिव नेम। जब सभी पार्टनर्स एक साथ मिलकर किसी कलेक्टिव नेम के साथ में पहचाने जाते हैं तो वो फर्म कहलाता है, ठीक है। नाउ जब मैं ये बोल रहा हूँ कि डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म यानी कि फर्म खत्म हो चुकी है, जब मैं बोल रहा हूँ कि डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप यानी कि सिर्फ पार्टनरशिप खत्म हुई है, तो अगर पार्टनरशिप खत्म हुई है तो भी क्या फर्म मेंटेन रह सकती है? तो सर रह सकती है, हर केसेस में ऐसा नहीं होगा बट हाँ फ्यू केसेस में ऐसा हो सकता है। तीन पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर की डेथ हो गई, दो पार्टनर बचे, दोनों ने सोचा कि यार हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस, हमें बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, 14 दिन के लिए हम यहाँ पर बैठेंगे और हम शौक बनाएंगे, उसके बाद में हम बिजनेस चालू कर देंगे। तो दो पार्टनर्स की यहाँ पर जो पार्टनरशिप है वो तो डिसॉल्व हो चुकी है तीनों के बीच में, बट दो पार्टनर्स बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए क्या डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म हुआ है? क्या नहीं हुआ है, फर्म कंटिन्यू है, पार्टनरशिप यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो क्लियरली हमको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा सबसे पहले कि डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, ये हम समझेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या डिसॉल्यूशन करने के अलग अलग तरीके हैं क्या? तो यस, डिसॉल्यूशन यहाँ पर दो तरीके से हो सकता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। सो अगर हम बात करेंगे डिसॉल्यूशन की तो सबसे पहला यहाँ पर तरीका क्या होता है? वॉलंटरी। इसका मतलब कि जो फर्म है, जो पार्टनर है, वो खुद वॉलंटरी अपना डिसॉल्यूशन करना चाहते हैं और फर्म को ख़त्म करना चाहते हैं, वॉलंटरी, ठीक है। दूसरा तरीका होता है यहाँ पर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वॉलंटरी वो खुद चाह रहे हैं कि हम जाके डिसॉल्व हो जाए, यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर कर रही है और ट्रिब्यूनल बोल रही है कि आप डिसॉल्व हो जाइए, मतलब यहाँ पर कोर्ट और ट्रिब्यूनल का क्या है? इन्वॉल्वमेंट है। और यहाँ पर कोर्ट और ट्रिब्यूनल का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या? कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। सो ये है अपने आप में सेक्शन नंबर 44 जो हम सबसे लास्ट में देखने वाले हैं। उससे पहले की जो कहानी है वो हमको यहाँ पर देखनी पड़ेगी वॉलंटरी वाले सेक्शंस में। बट इसके अलावा एक और तरीका है, वो एक और तरीका क्या है कि वॉलंटरी करना नहीं चाहा और कोर्ट और ट्रिब्यूनल में ने हमको नहीं बोला बट फिर भी डिसॉल्यूशन होना पड़ेगा, यानी कि कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। अभी कंपलसरी डिसॉल्यूशन क्या होता है? कंपलसरी डिसॉल्यूशन मतलब ये होता है कि ऐसे कुछ सिचुएशन आपके सामने आ गई है कि अब आप बिजनेस वो वाला नहीं कर सकते हैं और आपको आपकी फर्म को ही ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे हम जो बिज़नेस करते थे, जैसे कि हम कोई केमिकल बनाते थे, अब वो केमिकल हम बनाते हैं, अब गवर्नमेंट ने एकदम से लॉ निकाला, उन्होंने बोला कि ये जो केमिकल है ना बैन हो गया है। जैसे आप कोई फार्मा कंपनी है, आप कोई ड्रग बनाते हैं, बराबर है। अब ड्रग बनाने के लिए आपने एक पूरी फर्म बना रखी अलग से,
कंपनीज होती जनरली, बट हम बात कर रहे हैं एंटिटी की किसी फॉर्म की, तो हम एग्जाम्पल फॉर्म का लेते हैं। सो अगर कोई फॉर्म में केमिकल बना रही है और वो ड्रग में यूज़ कर रही है फॉर मेडिकेशन पर्पज, बट अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि यार ये तो बहुत हार्मफुल है और इसका मैन्युफैक्चरिंग अब नहीं हो सकती है, तो आपने सोल पर्पज के लिए ये फॉर्म बनाई थी, वो था वो केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग, अब वही अनलॉफुल बन गया है, वही गलत बन गया है, तो आपका बिजनेस ही अनलॉफुल हो गया, तो आपको इस फॉर्म को कंपल्सरीली डिसॉल्व करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल दिए, आगे डिटेलिंग हम करने वाले हैं, तो वॉलंटरी करें हम खुद जाके, कंपलसरी हमको करना पड़ा और कोर्ट ने हमको ऑर्डर दिया, ये तीन तरीके से डिसॉल्यूशन यहां पर हो सकता है। तो ये तीनों को शुरू करने से पहले हम यहां पर क्या देखेंगे, पहले कि सेक्शन नंबर 39 क्या बोल रहा है। सेक्शन नंबर 39 इन जनरल बात कर रहा है, वो बोल रहा है डिसॉल्यूशन हो सकता है क्या, यस और नो, तो उसका आंसर है यस, डिसॉल्यूशन बिल्कुल हो सकता है। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि इन्होंने क्या बोला, डेफिनेशन ध्यान से सुनिए, द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि एक बार पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन हो गया तो फिर फर्म का डिसॉल्यूशन भी बोलने में आ जाता है, बट कहीं ना कहीं बीच में कुछ तो गैप है, वो गैप को हम फिल करते हैं। अब ऐसा होगा कब, यानी कि पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन इक्वल्स टू पार्टनरशिप के साथ में फर्म का भी डिसॉल्यूशन हो चुका है, ऐसा कब होगा, जब, इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, ऑल यानी कि सबके सब, व्हेन ऑल द पार्टनर्स सबके सब एक साथ डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमको साथ में काम नहीं करना है, तो फिर ऑल द पार्टनर्स के बीच में जब पार्टनरशिप खत्म हो गई तो फर्म बचा ही नहीं ना। अच्छा तो सर अगर सभी पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप चले चली गई हो बट कुछ पार्टनर्स अभी भी हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो सर फर्म का डिसॉल्यूशन है क्या, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन है। क्यों सर, तीन पार्टनर थे, एक चले गया, तो सर पार्टनरशिप भले ही खत्म हो गई है, नई पार्टनरशिप बन जाएगी और फर्म एज इट इज काम करती रहेगी, सिंपल सी बात है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए, Thus, dissolution of firm means discontinuation of the jural relation between all the partners. सब partners के बीच में relationship एकदम खत्म हो गया है, इसको हम dissolution of a firm बोलते हैं। But when only one or more, जब एक या दो, 10 partners हैं और एक दो चले गए, 8 तो काम कर रहे हैं ना अभी भी, तो एक और दो partners जब चले गए, कोई रिटायर हो गया, कोई इनकैपेसिटेट बन गया, यानी कि अब या तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या डेथ हो चुकी है, या इंसॉल्वेंट हो गया, व्हाट एवर द रीज़न, अब अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया है, इनकैपेसिटेट बन गया है फ्रॉम एक्टिंग एज अ पार्टनर ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी या इनसेनिटी, द पार्टनरशिप दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सच अ पार्टनर एंड अदर्स, क्या बोला, जो जा रहा है उसकी रिलेशनशिप, सबकी पार्टनरशिप की रिलेशनशिप अभी नहीं बोला है, तो 10 पार्टनर के बीच में अगर एग्रीमेंट है और फर्म अगर चल रही है, 10 में से अगर दो लोग यहां पर जा रहे हैं तो उन दो का रिश्ता खत्म हुआ है, बट बाकी जो 8 है उनका अभी एग्रीमेंट चल रहा है, इसको आप ऐसे समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। सो क्या लिखा है उन्होंने, द रिलेशनशिप बिटवीन सच पार्टनर जिसकी डेथ हुई है, जो इंसॉल्वेंट हुआ है या फिर जो इंसेनिटी में आ चुका है, उसका रिलेशनशिप विद अदर is dissolved but the rest may decide to continue, तो ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, dissolution of the firm नहीं है, no लिखा हुआ है यहां पर, और इसको बोला जाता है dissolution of partnership, just, ठीक है, so the particular partner goes out but the remaining partners carry out on the business of the firm, it is called dissolution of partnership, in the case of dissolution of the firm on the other hand the whole firm is dissolved, ठीक है, तो यहां पर द पार्टनरशिप टर्मिनेट्स एज बिटवीन ईच एंड एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म, तो जब फर्म खत्म हो गई तो हर एक पार्टनर के बीच में ये पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है। तो क्लियरली यहां पर फोकस में क्या है, वी शुड एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, वो क्या है कि हमको समझना पड़ेगा कि डिसॉल्यूशन फर्म का और पार्टनरशिप का इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, पक्का आएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, कंटिन्यूशन ऑफ द बिजनेस, क्या फर्म का डिसॉल्यूशन होने पर कंटिन्यूशन रहता है क्या, नहीं रहता है, बट अगर हम बात करेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो वहाँ पर बिजनेस कंटिन्यू रहता है, यस, वहाँ पर डिसकंटिन्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है, बिजनेस चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फर्म रिकंस्टिट्यूट हुई है, फर्म खत्म नहीं हुई है, ठीक है, वाइंडिंग अप, चलो, तो अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो सही बात है ना, अब आपको वाइंड अप करना पड़ेगा, सारे असेट्स को रियलाइज करो और लायबिलिटीज को सेटल करो, ठीक है, बट जब पार्टनरशिप का रिजोल्यूशन यहाँ पर हुआ है तो फर्म खत्म नहीं हुई है, तो वाइंडिंग अप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन चलता है, ठीक है, और आप रीवैल्यू कर सकते हो आपके असेट्स और लाइबिलिटीज़ को, आपको यहाँ पर उनको रियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सेटलमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोर्ट का ऑर्डर,
अब फॉर्म में भी डिजॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो अगर फर्म को डिसॉल्व करना है तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है. और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप बात करेंगे और ध्यान से देखेंगे तो देखिए मैं आपको ले चलता हूँ स्टार्टिंग में, जब हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, ठीक है. सो ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर की अगर आप बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने देखा था डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट, यहाँ पर जब लिखा हुआ है तो ये पार्ट्स चल रहे हैं डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के, ठीक है, कि फर्म कैसे डिसॉल्व होती है. सेक्शन 44 में कोर्ट करता है, ठीक है, और यहाँ पर विदाउट कोर्ट का इंटरवेंशन चलता है, ठीक है. सो बाकी जितनी बातें चल रही है वो सब एग्रीमेंट की बातें नहीं चल रही, फॉर्म की बातें चल रही है कि फॉर्म डिसॉल्व कैसे होती है. बट आपको समझना होगा कि हम एग्रीमेंट का डिसॉल्यूशन को इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हम उसको अलग रख पाए, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर बात करनी है फॉर्म के डिसॉल्यूशन की, ठीक है. सो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई. अब चौथा पॉइंट, स्कोप. स्कोप मतलब फर्म बड़ी है और पार्टनरशिप छोटी है. फर्म है तो पार्टनरशिप है, अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो गई. बट अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई तो ज़रूरी थोड़ी कि फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी. तो यही स्कोप है कि यहाँ पर नेसेसरीली पार्टनरशिप खत्म होगी, बट यहाँ पर मे एंड मे नॉट. फर्म खत्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. तो फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ज़रूरत है यहाँ पर, बट उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है क्योंकि फर्म अभी भी चल रही है. तो ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. और पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन हमने इसलिए समझ लिया कि अब उसको हम अलग फेंकेंगे, यानी कि अब उसको हम साइड में रखेंगे और हम बात करेंगे फर्म के बारे में. फर्म का डिसॉल्यूशन हो गया यानी कि पूरा बिजनेस खत्म हो गया, वाइंडिंग अप हो गया, असेट्स को रियलाइज करो, लायबिलिटीज को सेटल करो, पार्टनरशिप भी यहां पर खत्म हो चुकी है, कोर्ट भी आपको बोल सकता है ये काम करने के लिए सेक्शन 44 के हिसाब से, और अब अपनी बुक्स को आप क्लोज कर दो और आगे बढ़ो, ठीक है. दिस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है. तो वो हमने देख लिया है कि डिफरेंसेस यहां पर क्या है. अब हम बात करते हैं 39 के बाद में, 42-44 तरीके क्या क्या है ये बता दो, कैसे हम यहाँ पर डिसॉल्व कर सकते हैं. तो आइए तरीके देखते हैं. सबसे पहले हम तरीकों को डिवाइड कर चुके हैं, एक तो कोर्ट के ऑर्डर से यानी कि वॉलेंटरी नहीं, और एक कोर्ट के ऑर्डर के बिना यानी कि वॉलेंटरी. तो पहले हम देखते हैं वॉलेंटरी तरीका क्या है, यानी कि कोर्ट का ऑर्डर हमको नहीं मिला है, बराबर है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल हमको कुछ भी नहीं बोला है, हम खुद ही अपनी इच्छा से डिसॉल्यूशन यहाँ पर चाहते हैं, वॉलेंटरी तरीके से हम डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. तो उसका तरीका क्या है, विदाउट द ऑर्डर में सबसे पहले है 4 टाइप्स, ठीक है. तो पहला टाइप क्या है, एग्रीमेंट से, यानी कि आपने आपके एग्रीमेंट में लिख रखा है कि अगर सब पार्टनर्स कंसेंट दे देंगे तो हम इस फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, और सब ने एग्रीमेंट के हिसाब से कंसेंट दे भी दी तो डिसॉल्यूशन यहाँ पर हो गया. तो सबसे पहला तरीका हो गया डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सिंपल सी बात है, ठीक है. सो सेक्शन 40 के हिसाब से हर एक पार्टनर के पास में राइट है कि वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है एग्रीमेंट के साथ में, सबकी कंसेंट लेने के बाद में, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मेड. तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए कि हर पार्टनर के पास में राइट है कि वो डिसॉल्यूशन की बात उठा सकता है, और अगर कि सब ने हाँ कर दी तो फर्म का डिसॉल्यूशन हो जाएगा. तो सबसे पहला मोड क्या हो गया 40 में, बाय एग्रीमेंट, ठीक है. दूसरा 41 में कंपलसरी डिसॉल्यूशन, मैं आपको समझाया था कंपलसरी, कोई ऑप्शन है ही नहीं, अब आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा. ऐसा कब होता है, जब आपका बिजनेस जो आप इस फर्म के थ्रू कर रहे थे वो अनलॉफुल बन गया है, ठीक है, और अब आप उस बिज़नेस को कर ही नहीं सकते हो. तो ऐसा कुछ इवेंट हो गया है जिससे आपका बिज़नेस अनलॉफुल बन गया है, तो अब आप पार्टनरशिप को कैरी ऑन नहीं कर सकते हो, ठीक है. बट यहाँ पर अब छोटा सा कैच क्या है, यानी कि आपको एक बात यहाँ पर क्या समझनी होगी, वो ये है कि आपका एक बिज़नेस था, क्या इकलौता बिज़नेस था क्या, जैसे मैं केमिकल बनाता था, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरी कंपनी केमिकल बनाती है, मेरी फर्म एक केमिकल बनाती है, तो वो केमिकल अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, मेरा बिज़नेस अनलॉफुल हो गया, मुझे यहाँ पर फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा. अब अगर मेरा काम सिर्फ और सिर्फ वही केमिकल बनाना है तो मुझे फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा ना. बट अगर उस केमिकल के साथ में मैं दूसरे 3 प्रोडक्ट्स और बनाता हूँ, वो 3 तो लीगल है, उन 3 को तो बना सकता हूं मैं, तो एक किसी एक बिजनेस का अनलॉफुल होने की वजह से पूरी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा क्या, नहीं. तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, यहां पर लिखी हुई है प्रोवाइडेड दैट में कि इललीगलिटी ऑफ वन और मोर शैल नॉट ऑफ इटसेल्फ कॉज द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स लॉफुल एडवांटेज एंड अंडरटेकिंग. सो दूसरे जो अच्छे काम चल रहे हैं उनको भी मैं बंद कर दूँ, फर्म बंद कर दूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है. वही एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है. तो पहला हो गया बाय एग्रीमेंट, दूसरा हो गया 41 के अंदर कंपलसरी, ठीक है. अब बात करते हैं 42 में कंटिनजेंसीज. यार एकदम से ऐसा कुछ हो गया कि अब ना हमें यहाँ पर डिसॉल्व करना पड़ेगा फॉर्म को, तो कुछ कंटिनजेंसीज के आने पर डिसॉल्यूशन हो जाता है. जैसे पहली कंटिनजेंसी क्या है, हमने बोला कि ये हम पार्टनरशिप में आते हैं ए बी और सी, और हम 3 साल तक यहाँ पर पार्टनरशिप में रहेंगे, तो
तो ठीक है, मतलब पीरियड खत्म हो गया यानी कि टेन्योर खत्म हो गया जो आपने फिक्स किया था, तो अब आपको डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, पहला यहाँ पर चीज़ समझ ली हमने। दूसरा, हमने बोला था कि हम सिर्फ पर्टिकुलर इसी बिज़नेस के लिए साथ में यहाँ पर आए हैं, हम सिर्फ इसी एडवेंचर के लिए साथ में आए हैं। तो जैसे हमारा वो पर्पस सॉल्व हो जाएगा तो वैसे ही हमको इस पार्टनरशिप को भी ख़त्म करना पड़ेगा। यस, तो अब पर्पस ख़त्म हो गया है तो पार्टनरशिप को भी ख़त्म करना पड़ेगा और फॉर्म को भी डिसॉल्व करना पड़ेगा। तीसरा, कोई एक पर्सन यानी किसी एक पर्सन की डेथ हो गई, बराबर है, तो आपको यहाँ पर डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। एंड फोर्थ वन इज़, अगर आपको यहाँ पर आपका कोई पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी आपको यहाँ पर डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो इंसॉल्वेंट एंड डेथ, ये भी वन ऑफ द रीजंस है जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी फॉर्म की डिसोल्यूशन हो सकती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये कंटिजेंसीज में ही आता है। कंटिजेंसी क्यों बोला यार, डेथ हो जाएगी, पता था क्या, हो गई डेथ, कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो अब फॉर्म को भी डिसॉल्व करना ही पड़ेगा और नया बनाना पड़ेगा आपको एग्रीमेंट और सब कुछ। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हो सकती है जो सेक्शन नंबर 42 में बोला गया है जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसी कंटिजेंसीज आ गई कि आपको डिसॉल्व होना पड़ा। ठीक है, तो पहला क्या देखा, पहले हमने देखा कि एग्रीमेंट के हिसाब से हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं, कंपलसरी हमको करना पड़ रहा है। तीसरा, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, कंटिजेंसीज आ गई कि हमको करना पड़ रहा है। तो ये तीन होने के बाद में अब अगला ऑप्शन क्या है कि अब हम पार्टनरशिप एट विल थी अगर हमारी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, एग्रीमेंट नहीं था, पार्टनरशिप साथ में चल रही थी एट विल, यानी कि सब लोग काम कर रहे हैं यार, साथ में कर रहे हैं। ठीक है, अभी किसी को जाना है तो नोटिस दे देना और चले जाना, तो जैसे ही एक पर्सन भी जाएगा तो क्या फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी? यस। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या है 44 में, वो ये है कि डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल द फॉर्म मे बी डिसॉल्व by any partner giving notice in writing to all other partners of his intention. If the date is mentioned, the firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of dissolution, or if no date is mentioned as from the date of communication of the notice. ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर सब लोग एट विल थे तो विल में किसी एक पार्टनर ने भी अगर नोटिस दिया, बाकी सब पार्टनर्स को सबकी कंसेंट मिल गई, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वहाँ पर भी हो जाएगा। तो कितना हमने देख लिया यहाँ पर, 40, 41, 42 और 43, तीन सेक्शंस हमने यहाँ पर देख लिए हैं। 40 बोल रहा है क्या कि आप एग्रीमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर डिसोल्यूशन कर सकते हैं, 41 बोल रहा है कि कंपलसरी आपको करना पड़ेगा, 42 बोल रहा है कि कुछ कंटिजेंसीज आ गई तो आपको करना पड़ेगा, और 43 बोल रहा है कि अगर आप एट विल हो तो नोटिस देके आप ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 39 ने हमको क्या बोला, 39 ने हमको बताया कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्या होता है, फॉर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन के बेसिक्स क्या होते हैं। और 40 से 43 तक हमने देखा ये ऑप्शंस मोड्स जहां पर कोर्ट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट था क्या, नहीं था, यानी कि अभी हम खुद वॉलंटरी डिसोल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, अब टाइम आ गया है सेक्शन नंबर 44 का। सेक्शन नंबर 44 बोल रहा है कि कोर्ट ऑर्डर दे रही है भाई साहब कि अब आप डिसोल्यूशन कर लो, तो कोर्ट ऐसा क्यों कर रही है? तो कोर्ट ऐसा कुछ रीजंस की वजह से कर सकती है, क्या है वो रीजंस देखिए। अगर आपका कोई एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का बन चुका है या फिर इनसेन हो गया यानी कि पागल हो गया है, ठीक है, तो कोर्ट आपको बोलेगी कि बॉस चलिए ख़त्म करिए, फॉर्म ख़त्म करिए, आप क्यों वाइंड अप कीजिए सब कुछ। बट आपको ध्यान देना होगा कि टेम्प्ररी सिकनेस कोई एक रीज़न नहीं, कोई ग्राउंड नहीं है डिसोल्यूशन करने के लिए, मतलब कि 10 दिन के लिए अगर कोई पागल हो गया है तो आप ऐसे बोलेंगे कि आप पूरी फॉर्म ख़त्म कर देंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो तबीयत ख़राब है, आ गया वापस आ गया बंदा, तो कोर्ट बोलेगी हाँ चलो चलो डिसोल्व करो, नॉट पॉसिबल। सो अगर टेम्प्रेरी पॉइंट को आप हटाएंगे तो यहाँ पर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का हो चुका है, इट इज़ हैड बिन डिक्लेयर्ड, एजुकेट कर दिया गया है उसको, और वो यहाँ पर इनसेन हो चुका है, तो कोर्ट बोलेगी कि बॉस फॉर्म को आप ख़त्म करो। अच्छा, परमानेंट इनकैपेसिटी नाम की भी चीज़ होती है, जैसे विजय माल्या का केस है, वेयर अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग हैज़ बिकम इन एनी वे परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, देन द कोर्ट में डिसॉल्व द फॉर्म। सच परमानेंट इनकेपेसिटी में रिजल्ट फ्रॉम फिजिकल डिसएबिलिटी और इलनेस। तो अगर जैसे ऐसा हो गया है कि आपकी फॉर्म का जो काम है वो इतना ऐसा काम है कि आपको बार बार मार्केट में जाना पड़ता है और आपको वहाँ पर लेट से दुकानदारों से मिलना पड़ता है, अब अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसके पैर नहीं बचे, नाउ ही इज़ डिसेबल, तो क्या वो पार्टनर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो अगर फर्म को ये लगता है कि वो काम नहीं कर पा रही है तो कोर्ट ऑर्डर देगी कि आप ये परमानेंट इनकैपेसिटी है एक दो पार्टनर्स की, तो आप फॉर्म डिसॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तीसरा, मिसकंडक्ट की वजह से, यानी कि अब हरकत पटक दी आपने,
किसी ने कोई तो गलत काम किया है, ठीक है, जो यहाँ पर अफेक्ट करने वाली है आपके बिजनेस को, तो कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर कर सकती है डिसोल्यूशन के लिए, और वो देख सकती है कि नेचर क्या है बिजनेस का, उस हिसाब से डिसोल्यूशन के लिए आपको बोल सकती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट मिसकंडक्ट मस्ट रिलेट टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। उनका कहना है कि बिजनेस से रिलेटेड मिसकंडक्ट हो, यानी कि मिसकंडक्ट कैसा भी हो सकता है। तो क्या सर कोई एक पार्टनर अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में फंस चुका है तो क्या सर तब भी यहाँ पर कोर्ट बोल सकता है कि आप फर्म को डिसॉल्व कर दीजिए? यस, इट डिपेंड्स कि क्या नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर उसका हार्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये पूरा इट इज़ विद द कोर्ट कि वो डिसाइड कर सकती है कि ये मिसकंडक्ट होगा कि नहीं होगा। बट बॉटम लाइन इज मिसकंडक्ट बिजनेस से रिलेटेड होगा जरूरी नहीं है, मिसकंडक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो मिसकंडक्ट की वजह से कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। और क्या है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, वो भी परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि कोई भी पार्टनर विलफुली या फिर परसिस्टेंटली ब्रीच कमिट करता है, यानी कि एग्रीमेंट के खिलाफ जाकर काम करता है, अफेयर्स ऑफ द फर्म को गलत तरीके से यूज़ करता है, बिजनेस के लिए गलत तरीके से यूज़ करता है, अपने आप को ऐसा कंडक्ट करता है जैसा उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है, दूसरे पार्टनर्स के साथ में ऐसा वो कंडक्ट रखता है जो उसको नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर कोर्ट बोल सकती है कि आप यहाँ पर बिल्कुल बाहर जाइए और फॉर्म को डिसॉल्व कीजिए। जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहेगा, एम्बेजलमेंट, यानी कि पैसे की चोरी करना, कैश निकाल लेना, फॉर्म का पैसा यूज़ करना, अपने पास रख लिया, पर्सनल यूज़ कर लेना, ठीक है, एरोनस अकाउंट्स मेंटेन करना, होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड, जितना अलाउड नहीं है उससे ज़्यादा कैश रखना, और रिफ्यूजल टू शो अकाउंट डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, अकाउंट्स दिखाई नहीं रहा है बंदा। तो ये सब रीज़न अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर कोर्ट बोल सकती है कि बॉस अब आप बाहर जा सकते हैं। जैसे इफ़ वन ऑफ द पार्टनर्स कीप अरेनस अकाउंट्स एंड ओमिट्स टू एंटर रिसीट्स, और इफ देयर इज कंटिन्यूड क्वारल्स बिटवीन द पार्टनर्स, और देयर इज सच स्टेज ऑफ थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय द म्यूचुअल कॉन्फिडेंस ऑफ पार्टनर्स, द कोर्ट में ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब बार बार सभी पार्टनर्स लड़ते जा रहे हैं, भरोसा खत्म हो चुका है, कोई गलत अकाउंट्स रख रहा है, कोई चोरी कर रहा है, फॉर्म का पैसा यूज़ कर रहा है, तो अब यहाँ पर कोर्ट को समझ में आया कि यार तुम्हारी पार्टनरशिप बची नहीं है। बेस्ट यही है सबके लिए कि इस फॉर्म को आप डिसॉल्व कर दो, ठीक है। सो कोर्ट किन किन चीज़ों के लिए ऑर्डर देगा, अनसाउंड माइंड, इनसेनिटी का हमने देख लिया, कोई परमानेंटली इनकेपेबल हो चुका है, कोई मिसकंडक्ट कर रहा है अगर, और किसी का यहाँ पर मिसकंडक्ट के अलावा परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, तो इन सब केसेस में यहाँ पर कोर्ट डिसॉल्व करने के लिए बोल देगा। क्या यहाँ पर लिस्ट खत्म हो गई है? नहीं, अभी और लिस्ट आने वाली है। देखिए EFG, ये पॉइंट और है, इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया चुका है, यानी कि एक पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट, क्या वो ट्रांसफर कर सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन, कर सकता है, यस, उसने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया टू अ थर्ड पार्टी, और हैज़ अलाउड हिज शेयर टू बी चार्ज और सोल्ड बाय द कोर्ट इन द रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म एट द इंस्टेंस ऑफ एनी अदर पार्टनर। इनका कहना है कि अगर किसी एक पार्टनर ने अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट किसी को दे दिया, थर्ड पार्टी को, या फिर उसने बोल दिया है कि यार मेरा जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जो भी मेरा इंटरेस्ट है इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो आप मेरे लैंड के जो अरियर्स चल रहे हैं उनके लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं, तो कोर्ट यहाँ पर बोल सकती है कि इसका पूरा सेटलमेंट कीजिए, आपकी फर्म को डिसॉल्व कीजिए, इसका कितना शेयर निकल रहा है हमको बताइए, हमको और किसी चीज़ की भरपाई यहाँ पर करनी है। तो उस वाले केस में भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। क्या फर्म को मानना पड़ेगा? यस, मानना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यूस एंड परपेचुअल लॉसेस की वजह से, तो यहाँ पर अब फर्म को ख़त्म करने का बोल दिया गया है। एंड जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, ये जी पॉइंट क्या है, जी पॉइंट है कि बस कह दिया तो कह दिया, अमिताभ बच्चन के स्टाइल में, यानी कि कोर्ट बोल रही है यार हमको सही लग रहा है बस, अब आप हमसे रीज़न मत पूछना। जस्ट एंड इक्विटेबल रीजंस अगर कोर्ट के पास में है तो वो किसी भी फॉर्म को डिसॉल्व होने का बोल सकती है, ठीक है। अब देखिए, द फॉलोइंग आर द केसेस फॉर द जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, फिर भी कुछ तो यहाँ पर केसेस आपको बताने पड़ेंगे ना, कोर्ट ऐसा मनमानी थोड़ी ना कर सकता है। तो उन्होंने क्या बोला है, डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, डेडलॉक यानी कि आप कोई काम ही नहीं कर रहा है मैनेजमेंट में ढंग से, कोई भी फर्म के लिए सोच नहीं रहा है, कोई बिजनेस के हित के लिए काम नहीं कर रहा है, डेडलॉक हो चुका है। तो यहाँ पर कोर्ट क्या बोलेगी कि फर्म को कि आप डिसॉल्व हो जाइए, यही बेटर है। वेयर द पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स बिटवीन देम, अब पार्टनर्स बात ही नहीं करते हैं, फॉर्म रख के मतलब क्या है, ठीक है। लॉस ऑफ सबस्टेंट्रम, गैम्बलिंग बाय अ पार्टनर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, कोई एक पार्टनर गैम्बल करता है स्टॉक एक्सचेंज पर, तो भी यहाँ पर क्या पैसा आता है और वो बाहर चले जाता है, गैम्बलिंग में है तो इलीगल काम है, तो यहाँ पर कोर्ट क्या बोलेगी कि आप डिसॉल्व हो जाइए। अब जो दूसरा पॉइंट बीच में लिखा हुआ है, लॉस ऑफ सबस्ट्रक्चर, मतलब क्या होता है कि जो बेसिक था जिसके लिए आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, जो आपका एकदम सॉलिड आपका पॉइंट था, वो खत्म हो चुका है, ठीक है, यानी कि आपकी नींव खत्म हो चुकी है। तो इन सब सिचुएशन में जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स पर कोर्ट बोल सकती है कि आप आ सकते हैं, नमस्ते। तो ये यहाँ पर पूरा समरी बना हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में। देखिए कोर्ट अगर बोलता है तो 40 से 43 तक का है, ठीक है, एग्रीमेंट,
40, कंपलसरी 41, सर्टेन इवेंट्स यानी कंटेंजेंसी 42 एंड बाय नोटिस एट विल 43, और अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो 44. क्या क्या हो सकता है? इंसेनिटी, मिसकंडक्ट, परमानेंट इनकैपेसिटी, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है, कंटिन्यूस लॉस हो रहे हैं और जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड्स है. तो ये पूरा हमने डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है दोस्तों, ठीक है. अब इसके बाद में क्या आता है कि डिसोल्यूशन हो गया तो होगा क्या, मतलब कि इफेक्ट क्या क्या होंगे डिसोल्यूशन होने के बाद में, क्या फर्म बची है नहीं बची है. तो फर्म का सर जो भी असेट्स थी, लायबिलिटीज थी, जो सूट चल रहे थे, जो केसेस ऑलरेडी ऑनगोइंग केसेस है, पार्टनर्स की लायबिलिटी है, पूरी फर्म की लायबिलिटी है, इन सब चीज़ों का क्या होगा, तो इसके लिए यहाँ पर सेक्शन 45 से 55 की यहाँ पर हमको बात करनी है. देखिए 39 से शुरुआत किया था हमने, 39 ने बेसिक समझाया, 40, 41, 42, 43 ने हमको वॉलेंट्री वाला बताया और 44 ने हमको कोर्ट वाला बताया. अब 45 से आगे की कहानी हम सुनने वाले हैं, ठीक है. देखिए इनका बोलना है कि फॉर्म तो चली गई, तो लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन, इनका कहना है कि फॉर्म डिसॉल्व हो गई उसके बाद में पार्टनर्स जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए लायबल कौन होगा. अब देखिए ये जो पूरा सेक्शन बनाया गया है सेक्शन नंबर 45, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि दो तीन लोग साथ में बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म है, हम सब ने फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया और हमने पब्लिक नोटिस दिया ही नहीं, यानी कि बाहर वाले लोगों को तो पता ही नहीं है कि अब हमारी फॉर्म यहाँ पर बची नहीं है, और मैंने पब्लिक नोटिस दिए बिना कोई भी ट्रांजेक्शन की है, तो उसके लिए वो थर्ड पार्टी लायबल थोड़ी ना होगी, उसके लिए लायबल मैं ही होऊंगा, यानी कि जो फॉर्म के पार्टनर्स हैं वो स्टिल लायबल रहेंगे. मतलब क्या कहने का यहाँ पर मीनिंग ये है कि भले ही डिसोल्यूशन हो गया है उसके बाद में कोई भी एक्ट हो रहा है तो उसके लिए पार्टनर्स आर स्टिल लायबल. यस दे आर स्टिल लायबल अनटिल उन्होंने वहाँ पर पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तब तक. सो पब्लिक नोटिस के पहले पहले के सारे एक्ट और डिसोल्यूशन के बाद वाले सारे एक्ट, ये बीच वाला पीरियड आपको ध्यान देना है. कैसे? डिसोल्यूशन से लेकर आपका पब्लिक नोटिस, ठीक है. सो अब ये जो बीच का पूरा पीरियड है यहाँ पर जो भी एक्ट हो रहा है इन सब के लिए लायबल है. यस पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल क्योंकि इट इज़ एन एक्ट वुड हैव बीन डन, यानी कि वो ऐसा ही किया जाता अगर पार्टनरशिप फॉर्म उनकी चालू रहती तो, और पब्लिक नोटिस नहीं दिया है इसलिए वो लायबल होंगे. बट कुछ पार्टनर्स हैं जो लायबल नहीं होंगे, जैसे किसी की डेथ हुई तो उसका जो एस्टेट है उस पार्टनर्स का जो मर चुका है यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, किसी को इंसॉल्वेंट बोल दिया है तो उसका कुछ भी है, और अ पार्टनर हु नॉट हैविंग बीन नोन टू द पर्सन डीलिंग विद द फर्म टू बी अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द पार्टनर, इन सब लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है. मतलब कि फर्म डिसॉल्व हो चुका है तो जो मर चुका है उसका एस्टेट, जो रिटायर हो चुका है उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो इंसॉल्वेंट है उसका, इन सबको बिल्कुल कोई हार्म नहीं होने वाला, ये लायबल नहीं रहेंगे, ठीक है. सो ये सब चीज़ें हैं, इन्होंने एनालिसिस में यही डाल रखा है कि मकसद क्या है. ऑब्जेक्टिव था इसका, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करना, बराबर है, जिनको ये पता ही नहीं है कि प्रायर डिसोल्यूशन हो चुका है, और दूसरा पार्टनर्स को भी प्रोटेक्ट करना ऑफ अ डिसॉल्व फर्म फ्रॉम लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टीज. तो क्या होगा कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए लायबल हो जाएगा यहाँ पर. जैसे ये यहाँ पर एग्जाम्पल रखा, एक्स और वाई दोनों पार्टनरशिप में थे, 1 दिसंबर को इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व कर दी, ओके, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, 20 दिसंबर को एक इन्होंने किसी से पैसे ले लिए तो एक्स ने लिए थे, तो अब वाई भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि उन्होंने जो एक्ट किया है वो पब्लिक नोटिस दिए बिना किया है, बराबर है. तो इन सच ए केस वाई ऑल्सो वुड बी लायबल फॉर द अमाउंट. तो पार्टनर्स को भी प्रोटेक्ट करने का यहाँ पर मकसद है, इसीलिए इन्होंने बोल रखा है कि अगर एक पार्टनर गड़बड़ करेगा तो आप भी घेरे में आ जाएंगे. तो ये ऑब्जेक्टिव था. बट क्या यहाँ पर एक्सेप्शंस भी है? यस एक्सेप्शन भी है, यानी कि अबव एग्जांपल में आपने देखा इवन वे नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन हैज़ नॉट बीन गिवन, यानी कि पब्लिक नोटिस हमने नहीं दिया है तो भी हम लायबल नहीं होंगे, तो एक्सेप्शन ही हुए ना. यस किसके लिए? डिसीज्ड पार्टनर के लिए, इंसॉल्वेंट के लिए और डॉर्मेंट के लिए, ठीक है. डॉर्मेंट पार्टनर मतलब दैट इज अ पार्टनर हु वॉज नॉट नोन एज अ पार्टनर टू द पर्सन डीलिंग विद द फर्म. अब यार ए बी सी ये तीन पार्टनर है और मिस्टर डी भी पार्टनर है यहाँ पर, बस स्लीपिंग पार्टनर है. अब एक थर्ड पार्टी ने यहाँ पर कोई एग्रीमेंट कर लिया इन तीनों के साथ में और ये फॉर्म तो डिसॉल्व हो चुकी थी. इन भाई साहब ने बोला कि मैं सबको केस करूँगा, तो मिस्टर डी बोलेंगे यार तुझे तो यही नहीं पता था कि मैं भी पार्टनर हूँ और मेरे ऊपर केस करना चाहते हो. तो डॉर्मेंट पार्टनर की लायबिलिटी नहीं रहेगी, इंसॉल्वेंट की नहीं रहेगी, डिसीज्ड की नहीं रहेगी, भले ही पब्लिक नोटिस नहीं भी दिया है तो भी नहीं होगी, ये बात पक्की है, ठीक है. सो सेक्शन नंबर 45 का क्रक्स क्या है? इसका क्रक्स ये है
कि डिसोल्यूशन के बाद में पब्लिक नोटिस के पहले इन पीरियड के सारे एक्ट के लिए पार्टनर्स आर स्टिल लायबल, पब्लिक नोटिस उनको देना होगा, उसके बाद में दे आर नॉट लायबल। डिसोल्यूशन के बाद में भी क्या लायबिलिटी बनी रहती है? यस, पब्लिक नोटिस अगर नहीं दो तो बनी रहती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं 46 सेक्शन पे, ये क्या बोल रहा है, राइट ऑफ पार्टनर्स टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। अब ये राइट है, जैसे डिसोल्यूशन हो चुका है, ठीक है, तो every partner or his representative is entitled as against all the other partners or the representatives to have the property of the firm applied in payment of the debts and liabilities of the firm and to have the surplus distributed among the partners and their representatives। इनका कहना है कि resolution हो गया, business खत्म करो ना, settlement करो, debts को settle करो, liability settle करो, अगर पैसा रखा हुआ है तो distribute करो, simple सी बात है। तो हर partner का ये right बनता है कि वो resolution के बाद में wind up करें, ठीक है, इसके बाद में। सेक्शन नंबर 47, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर पर्पसेस ऑफ वाइंडिंग अप। अब देखिए, वाइंडिंग अप के लिए जो उनको अथॉरिटी दे रखी है वो चलती रहेगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते यार आप तो आपका डिसॉल्व हो चुका है, आप तो पार्टनर बचे ही नहीं, आप यहाँ पर साइन कैसे कर सकते हैं। नहीं, वाइंडिंग अप के लिए जो जो चीज़ के लिए अथॉरिटी चाहिए हर पार्टनर की, वो अथॉरिटी मेंटेन रहेगी। बाकी दूसरे भी म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस है वो भी कंटिन्यू ही रहेंगे, ठीक है। डिसोल्यूशन से रिलेटेड जो भी उनके राइट्स और ड्यूटीज थी वो एज इट इज़ चलती रहेगी। सो सिंपल सी बात है, इसका पूरा सेक्शन का 47 का यहाँ पर बॉटम लाइन क्या है कि जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है, जो अथॉरिटी है वाइंडिंग अप के लिए, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सो 45 ने बोला सबसे पहले क्या कि डिसोल्यूशन हो चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं, डिसोल्यूशन अगर हो गया है आपका तो क्या उसके बाद भी आपको यहाँ पर लायबिलिटी आ सकती है? यस, पार्टनर्स को आ सकती है। 46 ने क्या बोला कि हर एक पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस को वाउंड अप करे डिसोल्यूशन होते ही। 47 ने बोला अथॉरिटी आप कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर एंड ओनली फॉर द केस ऑफ व्हाट, डिसोल्यूशन के पर्पस के लिए, वाइंडिंग अप के पर्पस के लिए, ठीक है। 48 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनेगा। ये हमें सीक्वेंस दे रहा है, यानी कि ये हमें बता रहा है कि सेटलमेंट आखिरकार होगा कैसे। तो जब अकाउंट्स आप सेटल करने जा रहे हैं तो असेट्स को आपको कैसे यूज करना है वो आप ध्यान रखिए। सबसे पहले अगर आपके पास में लॉसेस हैं, ठीक है, तो लॉसेस की भरपाई सबसे पहले कहाँ से होगी? जो प्रॉफिट्स आए हैं उससे होगी। प्रॉफिट से भी अगर नहीं हो पाया तो कैपिटल से आप यूज़ करिए, कैपिटल से भी अगर नहीं हो पाया तो फिर इंडिविजुअल सभी पार्टनर्स अपने अपने रेशियो में उस लॉस की भरपाई कर देंगे, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, जितने भी असेट्स हैं फॉर्म के उनको आप कैसे यूज़ करेंगे आपकी कैपिटल की डेफिशिएंसीज को कंप्लीट करने के लिए? तो उसको यूज़ करने के लिए आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि जो भी फॉर्म का पैसा है सबसे पहले वो थर्ड पार्टीज को सेटल करने के लिए यूज़ किया जाएगा। उसके बाद में आपस में, यानी कि एक पार्टनर का अगर 1 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूशन था बट उसने 5 लाख रुपए लगा दिए हैं तो उसके 4 लाख रुपए की भरपाई आप पहले करो, थर्ड पार्टी को पैसा दो बाहर वालों को, फिर हमारा ही पार्टनर ने व्हाट इज़ ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल उसको दो, फिर हमारे पार्टनर को व्हाट इज़ ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, जो है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था वो आपने नहीं दिया है तो वो आप उसको दो, ये थर्ड है। और उसके बाद में जो भी बचेगा, इफ एनी, शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन द प्रपोर्शन इन विच दे आर एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट। उसके बाद में जो भी बचेगा वो आप आपस में शेयर कर लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर सेक्शन नंबर 48 पूरा बोल क्या रहा है वो देखिए, इसका एनालिसिस बहुत ही अच्छा है, आप ध्यान से देखिएगा। अब एनालिसिस में इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सेक्शन बोलता है 48 की इट इज सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स एग्रीमेंट में और कुछ भी लिख सकते हैं, क्या लॉसेस ऐसे ही शेयर होंगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा, बट अगर कुछ भी नहीं है तो आपको ये तरीका अप्लाई करना होगा। बट ये जो एग्रीमेंट में आपके कोई भी क्लॉज आप डाल सकते हैं वो कभी भी क्रेडिटर्स को, यानी कि थर्ड पार्टी के राइट्स को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। सबसे पहला तो पैसा जो जाना है वो बाहर ही जाएगा थर्ड पार्टीज को, क्रेडिटर्स को तो आपको देना ही है। इंटरनली अगर आप बात कर रहे हैं कि हम लॉसेस कैसे शेयर करेंगे, कैपिटल की डेफिशिएंसी हम कैसे शेयर करेंगे, तो वो सब आप डिसाइड कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पर फोकस में रखेंगे ओवर सेक्शन नंबर 48, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बट बाहर की थर्ड पार्टीज को, हाउ एवर एनी सच एग्रीमेंट कैन नॉट अफेक्ट द राइट्स ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल दे रखा उन्होंने, एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे, मिस्टर एक्स चले गए। अब जब अकाउंट्स को सेटल करने की बात है तो पता चला एक्स ने 6,60,000 रुपये, यानी कि 6,60,000 कंट्रीब्यूट करे थे कैपिटल में और वाई ने सिर्फ 40,000 ही करे थे, ठीक है, ओके। असेट्स जो बचे थे वो 2 लाख रुपये के बचे, तो यानी कि इतना हुआ 6,60,000 + 40,000, टोटल 7 लाख, माइनस 2 लाख के असेट, तो अभी डेफिशिएंसी है 5 लाख रुपए की, यानी कि जेब से लग गए 7 लाख रुपए
और एसेट है 2 लाख रुपए के, तो 5 लाख रुपए की डेफिशिएंसी हो गई। तो 5 लाख रुपए दोनों मिलाकर 50-50% में शेयर करेंगे। अब आपका कहना है कि सर 50-50% में क्यों करेंगे, ये तो ऑलरेडी 6,60,000 बना चुका है और इसने सिर्फ 40,000 ही लगाए थे। तो यही बात बोली जा रही है कि अगर एग्रीमेंट में उन्होंने ऐसा लिख रखा है कि जिसका जितना इंटरेस्ट था कैपिटल में उसके हिसाब से सरप्लस असेट को यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा, तो फिर ऐसा केस नहीं होता, तो हम उस एग्रीमेंट को यहाँ पर फोकस में रखते हैं। सिंपल सी बात है। तो एग्रीमेंट अगर नहीं है और कोई सब्जेक्ट टू क्लॉजेज नहीं है तो आपको ये तरीका 48 का फॉलो करना है, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। दिस इज सिंपल, यहाँ पर बता दिया गया है। लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 49, ये बोल रहा है पेमेंट ऑफ फर्म डेट एंड ऑफ सेपरेट डेट्स। इनका कहना है वेयर देर आर जॉइंट डेट्स ड्यू फ्रॉम द फर्म एंड ऑल्सो सेपरेट डेट्स ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेपरेट डेट्स यानी कि किसी एक पार्टनर का डेट है, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पूरी फर्म को 5 लाख रुपए किसी को देने हैं, ठीक है, और किसी एक पार्टनर को यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इनको मिलकर 5 लाख रुपए देने हैं और मिस्टर ए को 1 लाख रुपए किसी को सेपरेटली देने हैं। अब यहाँ पर 5 लाख रुपए का सेटलमेंट सबसे पहले होगा, उसके बाद में सेपरेट डेट्स का सेटलमेंट होगा। पहली बात तो ये है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ द फर्म। तो अगर यहाँ पर मेरे पास असेट्स रखे हैं 10 लाख रुपए के, ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा इसको 5 लाख रुपए की भरपाई करने के लिए, उसके बाद मैं इसको यूज़ करूँगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। देन द शेयर ऑफ ईच पार्टनर शैल बी अप्लाइड टू द पेमेंट ऑफ हिज सेपरेट डेट्स और पेड टू हिम। नाउ अब ये 1 लाख रुपए मिस्टर ए को देने हैं किसी थर्ड पर्सन को, तो मिस्टर ए का जो एस्टेट है वो 5 लाख रुपए का है, बराबर है, ओके। सो लेट्स से अगर मैं इसको 10 लाख रुपए नहीं रखता हूँ और यहाँ पर सिर्फ 4 लाख रुपीज़ का असेट्स बचा है फॉर्म के पास में, बराबर है, 5 लाख रुपए की हमको भरपाई करनी है, 1 लाख रुपीज़ की डेफिशिएंसी है जो तीनों पार्टनर्स मिलकर यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे, बराबर है। नाउ लेट्स से यहाँ पर तीनों पार्टनर्स मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 33,000 33,000 33,000। तो ये 5 लाख रुपए का जो एस्टेट है वो पहले मिस्टर ए की सेपरेट डेट्स के लिए यूज़ किया जाएगा कि 33,000 के लिए यूज़ किया जाएगा? तो पहले किया जाएगा 1 लाख रुपीज़ के लिए, यानी कि इनका जो सेपरेट डेट है वो यूज़ किया जाएगा उनके सेपरेट अकाउंट में से, और फिर वो कंट्रीब्यूट करेंगे 33,000 फॉर द जॉइंट डेट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये यहाँ पर चीज़ इन्होंने इस सेक्शन नंबर 49 में आपको एक्सप्लेन कर रखी है। सो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, पूरे वीडियो के अंदर हमने देख लिया है अभी तक कि किस तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा, कोर्ट के थ्रू कैसे होगा, बिना कोर्ट के थ्रू कैसे होगा, वो सारी हमने समरी देख ली। उसके बाद में हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे, कॉन्सिक्वेंसेस हमने शुरुआत करी 45, 46, 47, 48 और 49, इस तरीके के सेक्शंस हमने यहाँ पर कंप्लीट करे हैं। सो 45 क्या बोल रहा था सबसे पहले, कि लायबिलिटी रहेगी, यस बिल्कुल रहेगी। 46 बोल रहा है बिजनेस को वाउंड अप करने की लायबिलिटी नहीं, राइट सबके पास में है, ऑथोरिटी कंटिन्यू होती रहेगी। सेटलमेंट किस तरीके से होगा 48 ने बताया, और यहाँ पर 49 ने बताया कि सेपरेट डेट और जॉइंट डेट में किस तरीके से सीक्वेंस में आपको यहाँ पर सेटलमेंट करना होगा। सो इस तरीके से पूरा वीडियो हमारा यहाँ पर खत्म होता है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर सारी चीज़ें कवर कर ली है। डिसोल्यूशन के बारे में हमको बात करनी थी, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। पार्ट वन के अंदर हमने कवर कर लिया है क्या, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी बातें। सो ये जो चैप्टर नंबर 3 है उसका हमने यूनिट नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ बची है, वो है क्वेश्चन एंड आंसर्स MCQ। सो MCQ की अगर हम बात करेंगे, सो बहुत ही यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, जो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे सेक्शन नंबर 58 और 59 के बारे में हमसे पूछा गया है, तो वो प्रोसीजर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आंसर्स को किस तरीके से आपको लिखना है वो पूरा उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। हम थोड़े से इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पर देख लेते हैं जो इंटरेस्टिंग है और आपको यहां पर कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी लाएंगे, ये देख के हमारा वीडियो यहां पर ही हम एंड करते हैं। आप देखिए दोस्तों, यहां पर छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इज कंपलसरी कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल है, हमको पता है LLP का कंपलसरी होता है, फर्म का यहां पर ऑप्शनल है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड फर्म है तो वो क्या क्लेम नहीं कर सकती, सेट ऑन की सेट ऑफ वो क्लेम नहीं कर सकती है, ठीक है। एज पर द एक्सेप्टेड व्यू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज कंसिडर्ड कंप्लीट। रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट माना जाता है, जब उसने फाइल कर दिया तभी कंप्लीट हो जाता है, कि रजिस्ट्रार उसको स्टेटमेंट को फाइल कर देता है और रजिस्टर में एंट्री कर देता है तब? तो हमारा आंसर होगा बी, रजिस्टर फाइल्स द स्टेटमेंट एंड मेक्स एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स, ओके। पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपल्सरी डिजॉल्व कब होती है, कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तब, 4 रीजन से कंपल्सरी में, डेथ, इंसॉल्वेंट, उसके अलावा क्या था, 2 पॉइंट आगे थे, एक पीरियड के लिए हमने बनाया था वो पीरियड एक्सपायर हो गया है, एक किसी मकसद के लिए बनाया था वो पर्पस सॉल्व हो गया है, तो फिक्स टर्म भी है,
फर्म का बिजनेस भी है अनलॉफुल बन चुका है, बराबर है। ऑल पार्टनर्स हैव बिकम इंसॉल्वेंट, बराबर है। इन केसेस ए एंड बी ओनली, व्हाट कंपलसरी डिसॉल्व कब होगी? सो कंपलसरी डिसॉल्व होने के लिए बच्चों सबसे बेसिक पॉइंट है कि आपका यहाँ पर कोई बिजनेस जो था अब वही अनलॉफुल हो गया है, तो आप बिजनेस क्या करोगे? अब जो फर्म है उसको हटा दो, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स अ पार्टनर मे अप्लाई टू द कोर्ट, पार्टनर कब अप्लाई कर सकता है कोर्ट को? एक पार्टनर इंसेन हो गया है, परपेचुअल लॉसेस है, मिसकंडक्ट हो रहा है किसी पार्टनर का, या ऑफ द अबव, सभी केसेस में वो जा सकता है कोर्ट के पास में। सेवन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। अपॉन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल शैल बी पेड फर्स्ट, तो डिसॉल्यूशन पर लॉसेस को सबसे पहले आप कहाँ से दोगे? सबसे पहले आप दोगे आउट ऑफ प्रॉफिट से, ठीक है। पब्लिक नोटिस इन केस ऑफ अ फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ, पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं है तो एडमिशन के टाइम पर जरूरत नहीं है, रिटायरमेंट के टाइम पर जरूरत नहीं है, एक्सपल्शन के टाइम पर, डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म के टाइम पे। सो डिसॉल्यूशन देना पड़ता है, हमने अभी अभी देखा है, ठीक है। रिटायरमेंट और एक्सपल्शन के टाइम भी आपको बताना पड़ता है, बट जब नया पार्टनर आ रहा है तो वो तब जरूरत नहीं होती है पब्लिक नोटिस की। नाइन्थ और टेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट ग्राउंड्स फॉर डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट कौन से बेसिस पर डिसॉल्यूशन नहीं कर सकती है? इनसेनिटी पे कर सकती है क्या? यस। बिजनेस लॉस पे चलता जा रहा है तो कर सकती है क्या? यस। विलफुल मिसकंडक्ट हुआ है तो कर सकती है क्या? यस। एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर पे कर सकती है क्या? नो। किसी को निकाल दिया गया है तो फर्म ये नहीं बोलेगी कोर्ट की फर्म को कि आप बंद करिए धंधा। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड, सभी पार्टनर्स के बीच में डिसॉल्यूशन हो गया है तो डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। सो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे यहाँ पर कवर हो गए हैं। पार्ट टू हमारा यहाँ पर खत्म होता है, इसी के साथ में चैप्टर नंबर 3 तीनों यूनिट्स के साथ में हमने यहाँ पर कवर अप पूरा कर लिया है। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको वीडियोज पसंद आ रहे होंगे, अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ ई गेड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।